रब्बहु बिकलिमात। कुछ गल्लां ऐसियां हन जिन्हां दे जरिए मैं आप दे आशिक इब्राहिम नू आजमाया। फअतम्महुन्ना, इब्राहिम ओ गल्लां पूरियां भी कर छोड़ियां। कुछ बातें थी जिनमें मैंने वइज़्तला, इब्राहिम को मुब्तला किया। कलिमात थी, कुछ बातें थी। अल्लाह फरमाता है फअतम, इब्राहिम ने उन बातों को पूरा भी कर दिया। अगर मुझे बोलकर इजाजत नहीं, ऐसे खामोशी में तो मुझे तकलीफ होती नहीं है। इन कलिमात को हम थोड़ा थोड़ा खोल न ले कि किन किन बातों में अल्लाह ने अपने आशी के अव्वल को आजमाया। सबसे पहले इस आशी का पहला इम्तिहान ये था, अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम जी मेरे मौला वतन छोड़। अब ये हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वतन मक्का नहीं था, सरकार खलील का वतन था बाबल, बाबलो नैनवा के इलाके। अब आप हैरान होंगे जो सुनने और समझने की तबीयत लेकर तशरीफ फरमा है, बाबल 4,500 साल पहले सरकार खलील के जमाने पाक में उस खित्ते जमीन को कहा जाता था जिस जमीन के टुकड़े का नाम आज करबला। उसकी हिकमत वही जानता है, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इश्क का इम्तिहान देने के लिए करबला से मक्का आए थे और हुसैन अपने इश्क का इम्तिहान देने के लिए मक्का से करबला। कर्ब इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसका माना है मोहल्ला, आबादी, बस्ती, इलाका, भेड़ी, इब्रानी जुबान। 5 बड़ी बड़ी मशहूर आबादियां थी जो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने पाक में मौजूद थी और हर बस्ती के लोगों ने अपनी अपनी बस्ती का, अपने अपने मोहल्ले का नाम अपने अपने अकीदे के मुताबिक रखा हुआ था। कर्ब मोहल्ले को कहते हैं, जैसे मैंने बता दिया। सूरज की परस्तिश करने वालों ने अपने मोहल्ले का नाम रखा हुआ था कर्ब शम्स। जल्दी बोलो तो आगे। चांद के पुजारियों ने अपने मोहल्ले का नाम रखा हुआ था कर्बुल कमर। सितारा परस्तों ने अपने मोहल्ले का नाम रखा हुआ था कर्बुल नुजूम। बुतों के पुजारियों ने अपने मोहल्ले का नाम रखा हुआ था कर्बुल असनाम। और पांचवा मोहल्ला चूंकि बनू अदनान का था, जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था और आप मुवहिदीन थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे, आपके मोहल्ले का नाम था कर्बुल्लाह। कदरदान थोड़े ही होते हैं। तुसो 5-7 बंदे तो बोलो जेडे कोल बोल। सुभान अल्लाह। ये अपनी जुबानों से नाम ले यार, कर्बुल्ला। ये उस मोहल्ले का नाम था जो सरकारे इब्राहिम का था। अच्छा, अब लफ्जों में ये खासियत होती है कि लफ्ज जब हजारों मील की मुसाफत तय करके, वक्त की मुसाफत तय करके, इलाका की मुसाफत तय करके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं तो इनके हरूफ भी बदल जाते हैं और इनका तलफ्फुज भी बदल जाता है। ठहरते, मैं एक मिसाल देता हूं ताकि बात मेरी वाजे हो जाए, मैं कम अज कम अपने ताई मिंबर से मुतमईन होकर उठूं। हमारी पंजाबी जुबान में एक लफ्ज है खोखा,
खोखा पंजाबी जुबान, ये असल में हमारी पंजाबी जुबान का लफ्ज नहीं है, ये अरबी जुबान का लफ्ज है। और अरबी जुबान में लफ्ज खोखा नहीं है, अरबी में लफ्ज है खोखा। जी क्या लफ्ज? ये कोरोना के आने से पहले तक, 2018 तक, कोविड से पहले तक, ऐसे बहुत सारे दोस्त यहां पर तशरीफ फरमा होंगे जिन्हें अल्लाह करीम ने हरमैन शरीफैन हाजरी का शरफ अता फरमाया है। कोविड से पहले तक मदीना मुनव्वरा में जो खिता जमीन सरकारे सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर के साथ मंसूब थी, उस पर सऊदी गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया हुआ था खोखा सिद्दीक अकबर। वो नहीं अगर बोल सकते हैं तो खोखा सिद्दीक अकबर लफ्ज तो था खोखा। ये लफ्ज जब 4,500 किलोमीटर की मुसाफत तय करके खित्ते अरब से बल्ले सगीर के लोगों के, मेरे और आपके हत्थे चढ़ा, तो लफ्ज था खोखा, हमने इस खोखा को बना दिया खोखा। मेरे ख्याल में मिसाल देना चाहता हूं, समझदार लोग उस बात तक पहुंच रहे हैं। लफ्ज खोखा था, जब मुसाफत तय करके यहां तक पहुंचा तलफ्फुज भी बदल गया, हरूफ भी बदल गया, खोखा था तो खोखा हो गया। सर उठाओ, इब्रानी जुबान में 4,500 साल पहले जिस मोहल्ले का नाम करबुल्ला था, जब वो 4,500 सदियों की मुसाफत तय करके बाबल से खित्ते अरब में पहुंचा, तो उसका नाम किबला मुफ्ती साहेब करबुल्ला से करबला हुआ।